गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड लेसन 10 ऑफ अवर टेक्स्ट बुक, दैट इज द क्लेवर सैफायर. ओके, सो हियर दिस इज अ प्ले ऑफ 3 सीन्स एंड लेट्स सी फर्स्ट की इंट्रोडक्शन क्या है. ओके, सो लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग इन इंग्लैंड नेम जॉन. ही वॉज जेलस ऑफ द पीपल हु वर वेल्दी एंड पावरफुल. ही सस्पेक्टेड द लॉयलिटी ऑफ such people and always tried to track down a chance to accuse them of some crime and take away their wealth. So actually इस play में जो king है, that is King John of England, काफ़ी पहले वो थे. And the main thing was that कि वो jealous थे उन लोगों से जिनके पास wealth होती थी या powerful, या तो वो rich होते थे या उनके पास बहुत power होता था. सो उसे जेलस फील होता था उन लोगों से. एंड ही सस्पेक्टेड, एंड साथ ही साथ उसे सस्पेक्ट था कि शायद ऐसे लोग जो होते हैं वो लॉयल मीन्स वफादार नहीं होते ना. एंड दैट्स वाई वो हमेशा एक रास्ता खोजते रहते थे, एक चांस मिले उनको कि वो इस तरह के लोगों को अक्यूज़ करें किसी क्राइम के लिए एंड टेक अवे देयर वेल्थ, और उनकी जो भी वेल्थ है उसे ले लें. ओके, सो स्टार्ट्स with scene 1. King John is on his throne. The member of his council, the lords, the knights, high priests are all around him. One of the priests is the abbot of Canterbury. King John does not like the abbot because he believed that he is richer than the king and has more servants and wealth than the king. King John asked the abbot in an angry mood. So King John जो है वो अपने थ्रोन मीन सिंहासन पर बैठे हुए हैं, साथ ही उनके काउंसिल के मेम्बर्स, लॉर्ड्स, नाइट्स, हाई प्राइस्ड. ओके, ये क्या है, उपाध्याय हैं जो वेरियस किंग से के अंडर छोटी छोटी जगहों को रूल करते हैं उनकी. इसके अलावा हाई प्राइस्ड, ओके, तो पुरोहित जिसे हम बोलते हैं वो भी वहाँ पर थे. एंड उनमें से एक थे अबॉट ऑफ कैंटरबरी. सो कैंटरबरी के जो अबॉट थे, अबॉट मींस हेड ऑफ द मॉन्क्स, उन्हें किंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था बिकॉज उसे लगता था कि उनके पास वेल्थ भी ज़्यादा है और सर्वेंट भी ज़्यादा है खुद किंग से. ठीक है, सो किंग जॉन जो है वो अबॉट से काफ़ी गुस्से के मूड में कुछ पूछ रहे हैं. King, Sir Abbot, some people say that you keep a better house than I do. Do you think you are greater than the king? Abbot, no, your majesty, I don't. I'm a humble servant of God. So उन्होंने पूछा गुस्से में कि कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास मुझसे अच्छा घर है, तो क्या आपको ऐसे लगता है कि आप किंग से भी बड़े हैं? And Abbot said कि नहीं मैजेस्टी. मैजेस्टी मीन्स ये किंग के लिए एक वर्ड होता है, राइट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो एक हम्बल सर्वेंट, एक छोटा सा सर्वेंट हूँ गॉड का. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड, यू कीप 100 सर्वेंट्स, इज दैट हम्बल? व्हाई डू यू कीप सो मैनी सर्वेंट्स? सो नाउ द किंग आस्क्ड कि एक हम्बल, एक छोटे से सर्वेंट हो आप गॉड के, फिर भी आपके यहाँ हंड्रेड्स ऑफ सर्वेंट्स हैं, ओके, तो क्या ये हम्बल होगा? क्या आपको इतने सारे सर्वेंट्स रखने की क्या ज़रूरत है, क्यों रखते हैं? बट इन फैक्ट आई नीड सम ऑफ दैम, द रेस्ट ऑफ दैम नीड मी, दे वॉन्ट वर्क एंड आई गिव दैम वर्क. सबॉट सेट कि एक्चुअली उनमें से कुछ की ही मुझे ज़रूरत है, लेकिन बाकी सबको मेरी ज़रूरत है, उन्हें वर्क चाहिए था एंड वो वर्क मैंने उन्हें दिया. सो इन काइंड, इन सम काइंड एक्चुअली वो क्या बताना चाह रहे थे कि वो उनकी हेल्प कर रहे हैं बाई गिविंग दैम वर्क. किंग, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, वेट वेयर डू यू फाइंड मनी टू पे दैम ऑल? डू यू कलेक्ट इट फ्रॉम द पीपल ऑफ कैंटरबरी? सो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट? एंड मनी कहाँ से आता है उनको पे करने के लिए? क्या
पीपल ऑफ कैंटरबरी से आप कलेक्ट करते हैं कि अबाउट नो योर मैजेस्टी आई स्पेंड ओनली माय ओन मनी. तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपना पैसा खर्च करता हूँ. इंडीड इट मीन्स यू आर वेरी रिच बट आई डोंट बिलीव यू. तो उसने कहा बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत रिच हैं पर मैं आपका बिलीव नहीं करता हूँ. यू कांट बी सो रिच एंड बिसाइड्स यू ऑट नॉट टू बी सो रिच. यू आर अप्राइज्ड ऑट टू बी लर्न्ड एंड वाइज नॉट रिच. आर यू अ लर्न्ड एंड वाइज मैन. तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसका मतलब अगर आप अपने पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप काफ़ी रिच होंगे, पर आपको इतना रिच नहीं होना चाहिए क्योंकि आप तो एक प्राइस्ड हैं. ओके, आप एक पुरोहित हैं. सो अगर एक प्राइस्ड जो है उसे लर्न्ड और वाइस होना चाहिए, उसे ज्ञानी होना चाहिए, ना कि रिच. ओके, तो क्या आपको लगता है कि आप लर्न्ड और वाइस मैन हैं? बट हाउ कैन आई आंसर द क्वेश्चन योर मैजेस्टी. सो उन्होंने कहा मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकता हूँ. अगेन किंग आस्क्ड, कांट यू? वेल देन आई हैव थ्री क्वेश्चंस फॉर यू. आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस और बी रेडी टू हैव योर हेड कट ऑफ. ओके, सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप आंसर नहीं दे सकते हैं तो मैं थ्री क्वेश्चंस दे रहा हूँ और अगर उनके आंसर्स जो हैं वो आपको देने हैं और अगर नहीं है तो आपका जो है हेड कट कर दिया जाएगा, मीन्स आपको पनिशमेंट दी जाएगी. ओके, सो अबाउट सेट टू हैव माई हेड कट ऑफ. योर जोक फ्राइटन्स मी योर मैजेस्टी. सो एक्चुअली ही वॉज नॉट सो सीरियस. उसने कहा कि मेरी गर्दन काट दी जाएगी ऐसा. तो उसने कहा कि अगर ये जोक है तो ये मुझे बहुत ही डरावना फील हो रहा है. ओके, किंग दिस इज़ नॉट अ जोक. सीरियसली आई इंटेंड टू हैव योर हेड कट ऑफ इफ़ यू कांट आंसर माई क्वेश्चन. आर यू रेडी? उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई जोक नहीं है, मैं सीरियसली चाहता हूँ कि तुम्हारा हेड कट हो जाए, लेकिन उसके पहले आंसर दो. अगर आंसर नहीं दे पाओगे तब ऐसा होगा. सो आर यू रेडी? अबाउट नो, यस योर मैजेस्टी. नाउ देयर वॉज नो वे. सो उसने पहले तो नो, फिर उसने कहा यस सर, ओके आई आंसर दैम. किंग, फर्स्ट हाउ मच एम आई वर्थ? एग्जैक्टली हाउ मच, नॉट अ पैनी मोर नॉट अ पैनी लेस. नाउ ही आज द फर्स्ट क्वेश्चन. उसने कहा मैं कितना कीमती हूँ. ओके, एक पैनी, पैनी इज रेफर्स टू पैसा. ना एक पैसा कम बताओ बताना है, ना एक पैसा ज़्यादा. बिल्कुल एग्जैक्टली बताओ कि मेरी वर्थ क्या है, मेरा मूल्य क्या है. एंड माई सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड अराउंड द अर्थ. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वॉज दैट कि बताइए कि अगर मैं अर्थ के चारों तरफ राइड करने के लिए निकलूँगा, ठीक है, तो कितना टाइम मुझे लगेगा. देयर इज़ अ लाफ्टर इन द कोर्ट. द नोवेल्स नॉट देयर हेड्स एंड लुक एट द अबॉट विद अम्यूजमेंट. नाउ जो भी नोबेल मैंस थे, कोर्ट के कॉटियर्स थे, वो देवर नॉडिंग द हेड इन अम्यूजमेंट कि अब आंसर कैसे देगा अबॉट, राइट? क्योंकि अबॉट था तो ऑब्वियसली इट वॉज थॉट कि वो लर्न्ड एंड वाइज होंगे एंड पीपल वर लविंग एक्चुअली. अबाउट हाउ मच यू आर यू वर्थ आई वॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन योर मैजेस्टी. सो उसने कहा हाउ मच योर वर्थ एंड ही नीड्स सम टाइम एक्चुअली. तो उसने कहा कि थर्ड क्वेश्चन भी बताइए. सो ही आस्क्ड माई थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज वॉट एम आई थिंकिंग एट दिस मोमेंट. सो उसने कहा कि बताइए कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ. Everyone laughs again. The abbot looks puzzled. तो सारे लोग तो लॉफ कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था उनको, बट जो अबॉट था वो पजल्ड था, परेशान था कि कैसे मैं इन क्वेश्चन के आंसर्स दूँ. दीज आर
very difficult questions, Your Majesty, I am unable to answer them immediately. I need some time to think. Now the अबाउट सेट कि ये बड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं योर मैजेस्टी, सो मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए क्योंकि मैं अभी तो आंसर नहीं दे पाऊँगा. इमिडिएटली मीन्स तुरंत, राइट. किंग, ऑल राइट, आई विल गिव यू 3 वीक्स. सो किंग वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इन क्वेश्चन के आंसर्स तो नहीं मिल पाएंगे उसको. उसने कहा कि मैं 3 वीक्स जो है देने वाला हूँ आपको. अबाउट, थैंक यू योर मैजेस्टी, If you can't answer the question at the end of the 3 weeks, you shall die. The council is dismissed, King said. So King ने कहा कि ठीक है, 3 सप्ताह का टाइम है आपके पास में, लेकिन अगर उसके बाद आंसर नहीं दे पाओगे तो तुमको मरना होगा. एंड द काउंसिल वॉज डिसमिस्ड. द किंग राइजेज एंड लीव्स द चैम्बर. द नोबल्स and other break into group, all of them discussing the abbot's chance in 3 weeks from now. So king jo hai wahan se uth karke chale gaye, and baki jare sari ki sari jo council thi uske members group mein apne apne friends apne jinse un wo baat karna chahte the discuss unke sath the group mein, aur wo discuss kar rahe the ki kya hoga abbot ka after 3 weeks, right. After this the scene 2 starts. So here the poor abbot left the court and travelled all over England. He went to all the learned men on the land and asked them the king's 3 questions, but no one was able to give him the answer to any of them. So he returned home to say goodbye to his friends, settle all his affairs and prepare for death. Very near home, he meets one of his shepherds. तो अब बेचारा अबॉट जो है, उसने जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकला तो उसने सारे इंग्लैंड को घूमा, एंड वो सारे वाइस एंड लर्न मैन से मिला उस जगह के, उन मीन्स इंग्लैंड के, ताकि उनमें से कोई तो किंग के 3 क्वेश्चंस का आंसर दे. बट किसी के पास भी उन 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं थे. Lastly, he was thinking he was getting a failure, and इसीलिए वो अपने घर वापस आया ताकि वो अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली को गुड बाय कर सके. जो भी अफेयर्स हैं एक्चुअली फैमिली ने फ्रेंड्स को गुड बाय कर सके, ओके, और जो भी कुछ बचा हुआ है उसको सेटल डाउन करे और अपने आप को मरने के लिए प्रिपेयर कर पाए, ओके. और घर के पास ही जब वो रिटर्न हो रहा था तो उससे मिला एक सफर्ड. सफर्ड मीन्स चरवाहा, जो शीप्स को काउस को जो है वो जंगल ले जाता है घास चराने के लिए. सफर्ड, वेलकम होम लॉर्ड अबॉट, वेलकम. व्हाट न्यूज़ डू यू ब्रिंग फ्रॉम द कोर्ट ऑफ द किंग? अबॉट, वेरी बैड न्यूज़ माय फ्रेंड. इन 2 डेज़ टाइम आई मस्ट गेट ऑल माय अफेयर सेटल्ड एंड बी रेडी टू डाई. सो वो सफर जो था उसने वेलकम किया अबॉट को और पूछा कि बताइए क्या न्यूज़ आप लेकर के आए हैं कोर्ट ऑफ द किंग से. सो अबॉट सेड कि कोई अच्छी तो नहीं, बहुत बुरी न्यूज़ है, और 2 दिन के अंदर मुझे अपना सारा काम ख़त्म होना करना है और मरने के लिए रेडी होना है. सो सफर वॉज सरप्राइज टू डाई, बट वाई, पर क्यों मरने वाले हैं आप? अबॉट सेड बिकॉज आई कैंट फाइंड आंसर टू द किंग्स 3 क्वेश्चन. उसने बताया कि किंग के 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल पाया है. 3 क्वेश्चंस, सेड द सफर. सफर ने कहा 3 क्वेश्चंस. आई कैंट फाइंड आंसर टू 3 क्वेश्चंस फॉर योर लॉर्डशिप. इफ़ यू लेट मी चेंज माई क्लोथ्स आई प्रोमिस टू चेंज द किंग्स माइंड. उसने कहा कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जो है तीनों क्वेश्चन का आंसर फाइंड करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी अपियरेंस अपने कपड़ों को बदलना होगा. तो देन आई प्रोमिस कि मैं किंग का माइंड जो है वो चेंज कर दूँगा. अबाउट चेंज योर क्लॉथ, यू डोंट नीड माई परमिशन फॉर दैट. ओके, फिर उसने कहा कि ठीक है. अबॉट ने कहा
आपको कपड़े चेंज करने के लिए मेरे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, मीन्स ही वॉज फीलिंग सरप्राइज कि ये मुझसे परमिशन क्यों ले रहा है। ओके सेफर्ड, बट आई डू ऑन दिस ओकेजन बिकॉज आई मस्ट चेंज माई क्लोथ्स फॉर योर्स। उसने कहा इस बार ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि मैं अपने क्लॉथ जो हूँ है वो आपके कपड़ों से चेंज करने वाला हूँ। लेंड मी योर अबॉट्स रोव फॉर अ फ्यू डेज एंड सेंड मी टू द किंग टू आंसर हिज क्वेश्चन। यू नो हाउ क्लोजली आई रिजेंबल यू। उसने कहा कि एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप अपने कपड़े जो है वो मुझे दें और मैं आपकी तरह दिखता हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। इट मीन्स वो अबॉट बन करके किंग के कोर्ट में जाने वाला था। ओके सो लास्ट इज द सीन थर्ड जो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके सो वील सी कि शेफर्ड जो है हाउ क्लेवरली वो किंग के क्वेश्चन का आंसर्स देता है। ओके क्वेश्चंस के आंसर देता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।